तो मैंने खीर लड़ी। बीटू जो है अपने ये थी कितने में जान के बहुत सारी चीजें मतलब इतने अच्छे से फूले फूले वीडियो काफी लंबी लगा होगा तो आप लोग लाइक। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देखिए बेटू रो रहा है, जिद कर रहा है, इसीलिए वो फर्श पे मतलब बैठा हुआ है और नहीं उठ रहा है। मैं इसको बहुत मनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन ये नहीं मान रहा है। वजह ये है कि मैं यहाँ पर डीप क्लीनिंग कर रही थी, घर की दीपावली की साफ़ सफाई कर रही थी और मतलब बहुत अंदर से लेके पूरा बाहर तक मैंने पूरे घर को अच्छे से धुल के साफ़ किया है और ढेर सारा पानी हो गया था। और बेटू जो है बीच बीच में मतलब वहीं पर कूद रहा था, मतलब उसको वहीं पर साइकिल चलाना है। और इसकी ये आज की मतलब बात नहीं है, इसकी ये हमेशा की आदत है। जब भी झाड़ू पोछा मैं करती हूँ तो उसको वहीं पे साइकिल चलाना या उसको वहीं पे खेलना है, वहीं पे कूदना है। मतलब चाहे जितना इसको मना करो कि बेटू पानी है, गिर जाओगे, स्लिप कर जाओगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मानता है। और बच्चा है, रान नहीं पाता है, लेकिन ये जिद करता है, मतलब इरीटेट कर देता है, बहुत परेशान करता है। तो बिल्कुल भी ये मान नहीं रहा था और मुझे बहुत मतलब साफ़ सफाई करना भी बाकी भी था और बहुत लेट हो रहा था, करते करते मैं थक चुकी थी। और जो ये आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इसी दरवाजे के पास मतलब मैंने इसको बालकनी में बंद करके दरवाज़ा आगे से मैंने लगा लिया था। मैंने कहा बस बेटू दो मिनट के लिए रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियों के पास बहुत सारा पानी हो गया था। तो मैंने कहा बेटू मैं इसको साफ़ कर दूँ, तब आओ, नहीं तो गिर जाओगे, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो मैंने इसको डोर क्लोज कर दिया। मैंने कहा दो मिनट के लिए बेटू रुक जाओ। उसी दो मिनट के अंदर बेटू इतना रोया, इतना जिद किया। मजा आएगा। क्या क्या है बेटू? ये पापा केक है। दिखाओ तो। ये देखो। दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। ये मुर्गा था, मजा आएगा। क्या लेके आया बेटू? ढेर सारी यहाँ पे बेटू जो है पटाखे लेके आए अपने बाबा के साथ। ये देखिए, और पूरा बेड इसने फैला के रखा है यहाँ पे। ये देखिए, पता नहीं क्या क्या लेके आया है बेटा। ओ नो बेटा, नहीं देखिए, तो बहुत सारे मतलब लेके आए हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ। बेटू नहीं, पैसे नहीं करो लल्ला। क्या था इतने सारे पर, और पटाखे सब लेके आया हुआ है। वहाँ उधर देखिए ढेर सारे टॉयज जो है खेल रहा था, घर बना के और खाना वगैरह बनाया है, वहाँ बेस्ट पे फैलाया हुआ है। और इधर मतलब ये देखिए, अभी मैं बेडशीट मतलब बिछाने ही जा रही थी कि उससे पहले इन्होंने इससे उधर खेला था, उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे सामान अभी गया था अपने बाबा के साथ। तो अभी जस्ट अभी ये आया हुआ है, 5 मिनट हुए हैं। और मतलब ये देखिए सारे पटाखे जो हैं, ये देखिए नीचे फोड़ के पूरा ये फैलाए हुए हैं, जबकि मैंने पूरे घर को अभी सुबह साफ किया था। अब मुझे फिर से शाम को पोछा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए सारा वहां तक खेला हुआ है। और ये देखिए यही जो हाथ में ले, यही जला रहे हैं, ये पटक के रहे इसको, मतलब फर्श पे से पटकने से फिर ढेर सारे इसमें से आवाज निकल रहे हैं। और नो, देखो मैं उड़ रही हूं। ये देखिए ये बाबू नहीं करो बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जब वीडियो की एडिटिंग कर रही थी वॉइस ओवर की, कि अपने बिट्टू जो है बाबा के साथ गया हुआ था, तो ये गया था मार्केट, वहां से ढेर सारे पटाखे वगैरह यही सब लेके आया हुआ है अभी। और मैंने खीर बनाया है, वो देखिए मैं इसको यहाँ पे मटके में निकाल के रखी हूँ, क्योंकि अपने बल्टे में गया था तो वहां पे इसने मटके वाली खीर खाई थी, तो इसको काफी पसंद आई थी, तो कह रहा था मम्मा मुझे वही खाना है। तो मैंने खीर बना के मटके में कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ये जब तक नहीं आया था तब तक के लिए। तो ये काफ़ी अभी गर्म है, तो बेटू से मैंने कहा कि आपके लिए मैंने मटके वाली खीर बनाई है, लो खाओ, तो वही मैं खिला रही हूँ, लेकिन अभी खा नहीं रहा खेल के। अभी ये देखिए तो खिलाती हूँ, देखती हूँ, कोशिश करता है खाने के लिए।
तो मैं अब खिलाने की कोशिश करूंगी, देखिए खाता है कि नहीं खाता है। और सारे घर इसने फिर से बिखेर दिया है, ये देखिए। मैंने सब पूरे घर को अच्छे से मतलब क्लीन किया था अभी सुबह मैंने, लेकिन अब फिर से मुझे पोछा वगैरह करके शाम को फिर मैं नहा के पूजा वगैरह करूँगी दीपावली की। और अभी मुझे किचन में मतलब खाना भी बनाना है, अभी मैंने सिर्फ खीर बनाया है और भी मुझे शाम को जो भी बनाना होगा बनाऊंगी। ये देखिए जो जलेबी होता है ये यही सारे हैं। ये बेटू बड़ा हो गया तो समझने लगा पटाखे के बारे में, बता रहा था मम्मा मुर्गा तो फुट्टी निकलेगा। क्या इसे बोलो क्या निकलेगा। ये क्या होता है मुर्गा ताप फुट्टी, ये क्या होता है बेटू? ये सुन सुन लिया फुलझड़ी। हाँ फुलझड़ी तीन। अच्छा सभी को बोलो हैप्पी दीपावली, बोलो हैप्पी दीपावली गाइस। ये भी फुलझड़ी है। बाबू खोलो नहीं, शाम को जब शाम को बेटू शाम को पापा के साथ खेलना। गाइस को दिखा रहा हूं। सब लोगों ने देख लिया आपको, मैंने दिखा दिया अच्छे से। लो बस बेटा भाई बेटू नहीं इसको खोल के ये सब ओपन कर देंगे। देख लो ये खाली डिब्बा है क्या? नहीं खाली डिब्बा क्यों रहेगा, खाली तो रहेगा। तो अभी आप लोगों ने बेटू की आवाज सुना ना, देखी कितना अच्छा बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था लेकिन बहुत हंसी आ रही थी इसकी आवाज़ सुनकर। और यहाँ पर मैंने भिगोया था ये उड़द की दाल, मतलब जो दही बड़ा वाला होता है वही मैंने यहाँ पे भिगोया था। तो मैंने सोचा था कि दही बड़ा बना लेंगे या कचौड़ी बना लेंगे, मैंने दो ऑप्शन रखा था लेकिन फिर बाद में मैंने इसकी कचौड़ी ही बनाई थी। और अभी आप लोगों ने देखा बिट्टू कितने सारे पटाखे लेके आया, जिसके बारे में मतलब बिल्कुल जानता भी नहीं है कि कैसे इसको यूज करना है क्या करना है। बहुत सारे पटाखे गया लेके आ गया अपने बाबा के साथ। और ये देखिए जो छोटे वाले पटाखे आपको दिख रहे हैं, ये मतलब हाथ से फेंको फर्श पे तो बहुत तेज़ से आवाज़ मतलब आती है पटाखे की, तो ये वाले थे। तो ये तो तुरंत ही मतलब खेल के पटक के खोलते ही सारे छोटे वाले पटाखे तो तुरंत ही यूज कर लिया था। और ये है शाम का टाइम, तो मैंने पोछा वगैरह सब कुछ लगा के डीप क्लीनिंग करके, और मैंने आज लगाया था बाल में मेहंदी, तो बाल धुल के मैं नहा के आ चुकी हूँ तो यहाँ पर पूजा करने। तो मैंने पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है दीपावली के दिन, तो अच्छा लग रहा था तो मेरा मन किया कि यही मैं आज पहन लेती हूँ। 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine। और आज दीपावली के दिन ऐसा हो रहा था कि बार बार लाइट चली जा रही थी, जैसे मतलब मैं दिया जलाने के लिए गई वैसे ही पता चला कि लाइट चली गई। और उसके बाद फिर बीच बीच में बहुत बार लाइट आज गई थी, जबकि इतना कभी ऐसे लाइट नहीं जाती है, लेकिन आज दीपावली के दिन बार बार लाइट जा रही थी। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में आई हुई थी, क्या हुआ कि बेटू जो है अपने पापा के साथ कहीं गया हुआ था और मुझे नहीं पता था, मैं उसको बार बार बाहर आके देख रही थी तो पता चला बाद में क्यों कहीं गया हुआ है। और एक्चुअली मुझे पता नहीं था ये बात क्यों गया हुआ है, और वो गया हुआ था रिलेटिव में एक लोग के यहाँ, लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है अपने पापा के साथ छत पे गया हो पटाखे जलाने के लिए, या हो सकता है गेट के बाहर गया हो, क्योंकि वो बोल रहा था पापा मुझे पटाखे मतलब जलाना है, तो उसके पापा बोल रहे थे कि चलो पटाखे मतलब मैं जलवा देता हूँ साथ में, चलो चलते हैं। तो मुझे वही लगा कि हो सकता है छत पे गया हो या बाहर गया हो, तो मैं भी देखने के लिए आई हुई थी। और हाँ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए लाइट्स वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। I want nobody but you.
nobody but you. और अभी मैंने पूजा वगैरह तो कर लिया है, लेकिन अभी मैंने दीपक जो है वो नहीं जलाए हैं, तो अभी मुझे सब जगह दीपक जला के रखना है और उसके बाद मुझे अभी खाना बनाना है। अभी मैंने मतलब बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया खाना बनाना शाम को, तो अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। तो मैं यहाँ पर सारे दिए जो हैं उसको लगा के उसके अंदर मैंने फूलबत्ती रख दिया है। अब मैं सरसों के तेल यहाँ पर लेने गई हूँ, लेकर आ गई हूँ, तो मैं इसको डाल के सब जगह दीपक जला के रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पर सारे दीपक जो हैं वो जल चुके हैं, अब मैं एक एक करके सारे जगह में रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने दीपक जो है जला दिया है, अब मैं सब जगह एक एक करके सारी जगह मैं रख दूँगी। और ये सब मैं कर ही रही थी कि इतने में बेटू अपने पापा के साथ आ गया है, और सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। और मैं फटाफट दीपक वगैरह रखने के बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए भी जाऊँगी, और खाने में मैं ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, तो सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि त्यौहार रहता है तो मन करता है कि ये चीज़ें बनाओ वो चीज़ें बनाओ, और अच्छा भी लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मतलब रोज़ नहीं बन पाती हैं। जब त्यौहार वगैरह होता है तभी मतलब वो ये होता है कि कई तरीके की चीज़ें बनती हैं, लेकिन जब अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है तो मतलब सोचो तो बहुत सारी चीज़ें कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, फिर पता चलता है टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, तो ये होता है कि चलो ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाना, थोड़ी बहुत चीज़ें ही बना के मतलब जल्दी से निपटा दो, क्योंकि मतलब कब टाइम निकल जाता कुछ पता ही नहीं चलता अकेले जब सारी चीज़ें करनी पड़ती है एक के बाद। तो इसलिए मैंने जान के बहुत सारी चीज़ें मतलब नहीं बनाया है, थोड़ी बहुत ही चीज़ें बनाई है, लेकिन कचौड़ी वगैरह मैंने बनाया है तब भी मतलब। और यहाँ पर मैंने अलमीरा के ऊपर जो है दीपक रख दिया है। क्या हुआ कि मैं यहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर मैंने बेटू का छोटा वाला चेयर है उसको लगा के फिर मैं उसके ऊपर चढ़ के फिर यहाँ पर रखती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी, दीपक वगैरह मैं जला रही थी, तब मैंने यहाँ पर रख दिया था कुकर में सूरन बॉयल होने के लिए, और उसके साथ में मैंने आलू भी जो है बॉयल कर लिया है। मैंने सोचा हो सकता है बेटू को ना पसंद आए सूरन, तो मैं सूरन की सब्ज़ी में आलू मिक्स करके मैं बना लूँगी दोनों साथ में, तो बेटू भी अगर नहीं मतलब खाएगा सूरन तो वो आलू खा लेगा। और यहाँ पर मैंने उड़द की जो दाल थी मैंने उसको यहाँ पर मिक्सी में जो है उसको ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया अच्छे से, तो मैं अब इसको निकाल लूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसमें जो सारी चीज़ें मिलानी है, धनिया की पत्ती और हरी मिर्च और इसमें आटा अजवाइन और खस्ता वगैरह हल्का सा डाल के मैं करके
फिर ये मैं आटा जो यहाँ पर कचौड़ी की मैं तैयार कर लूँगी। और मैं सूरन के पकौड़े भी बनाने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि मतलब यही सब करते करते इतना टाइम हो गया कि मैं सूरन के पकौड़े नहीं बना पाई थी। और सूरन के जो पकौड़े बनते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। हमारे यहाँ मायके में सूरन के पकौड़े दीपावली के दिन ज़रूर बनते हैं, तो हम लोग वही खाए हैं तो जानते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं दीपावली वाले दिन सूरन की मैं सब्ज़ी बनाई थी, पकोड़े नहीं बना पाई थी। और हमारे यहाँ मायके में दीपावली वाले दिन सूरन के पकोड़े भी बनते हैं और सब्ज़ियाँ भी बनती हैं, लेकिन इस बार मैं पकोड़े नहीं बना पाई थी। मैं सोची थी बना लूँगी, लेकिन सारे काम करते करते कब इतना टाइम बीत गया मतलब पता ही नहीं चला। और इतनी थकान लग रही थी, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दूसरे दिन बना लूँगी पकोड़े। तो और यहाँ पर देखिए, मैं हाथ से ही सारे कचौड़े जो है मतलब बना लूँगी, बेलन से नहीं बनाऊँगी। और सारे के सारे इतने अच्छे से फूले फूले निकल रहे थे, बस एक दो को छोड़ के बाकी सारी कचौड़ी जो बहुत अच्छी फूली फूली बन के निकल रही थी और टेस्टी काफ़ी बने थे। और यहाँ पर जब मैं बना रही थी किचन में खाना, तो देखिए यहाँ पर बीच में लाइट चली गई है। और इस वीडियो का कुछ पार्ट जो और है हमारे पास, तो इसी में मैं ऐड करने वाली थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो मैंने सोचा कि चलो इसको दो पार्ट में शेयर करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और यहाँ पर कचौड़ी जो है बनके हमारी तैयार हो गई है, और देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनी थी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारा ब्लॉग किसी भी पॉइंट पर आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी न्यू हमारे चैनल पर आते हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज आप तक मिल सकें, आप तक पहुँच सकें। तो इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और मेरी वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।